हाय, मैं हूँ भूपेश माथुर और आज मैं आया हूँ जयगढ़ फोर्ट और यहाँ की आज ब्लॉगिंग करेंगे। और इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी बता दूँ जयगढ़ के लिए। जयगढ़ जो है जयपुर शहर में आया हुआ है और जयपुर शहर जो है अरावली हिल्स से चारों तरफ घिरा हुआ है। अरावली हिल्स के ही एक हिल है जिसका नाम है चील का टीला, वहाँ पर ये मौजूद है। जयगढ़ में तीन दरवाजे हैं, तीन मुख्य दरवाजे हैं और उसमें से हम डूंगर दरवाजे से एंट्री करेंगे और बाकी आगे दरवाजों और दूसरी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तो लो जी, पहुंच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट के हम खड़े हैं यहाँ पर डूंगर दरवाजे पे। और डूंगर दरवाजे पे सबसे पहले हमने खरीदे हैं गोगल्स, तो आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी खरीदने के लिए। तो एंट्री हम लेते हैं डूंगर दरवाजे से और फिर जाके आगे एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या क्या है जयगढ़ में। तीन जनों का, तीन एडल्ट और एक कार। हाँ जी, 310। इसकी व्यू देख सकते हैं डूंगर दरवाजे का। तो टिकट हम ले चुके हैं और अब हम करने वाले हैं एंट्री। और मैं आया हूँ मेरी बहन और बहनोई के साथ। बहनोई थोड़ा एक क्या कहते हैं, मारवाड़ी वर्ड है बहनोई। हाँ, तो वैसे बहनों ही मतलब होता है जिया जी, तो दीदी और जिया जी के साथ आया हूँ और हम तीनों जाके अब एक्सप्लोर करने वाले हैं। जय बंदूक। जय बान, नाम और आकार से ही इसकी ताकत का पता चलता है। यहाँ के राजा गणेश जी को काफ़ी मानते थे, इसी वजह से साखिया बना हुआ है। जयबान के कारीगरों की तारीफ एक मामले में करनी पड़ेगी, इतना बड़ा हथियार बनाने के बावजूद भी इस पे जड़ाऊ काम और जितनी भी आकृतियाँ हैं, हाथी, डक और काफ़ी चीज़ें इन्होंने हथियार होते हुए भी इस पर बनाई हैं। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और गिनीज बुक पे इसका रिकॉर्ड है। विश्व की सबसे बड़ी तोप यानी कि जयबान की अगर बात करें तो इसकी नाल की लंबाई 20 फीट है। नाल का सर्कमफेरेंस 8 फीट 7.5 इंच का है। मजबूती और ताकत के लिए इसकी नाल अष्ट धातु से बनी हुई है ताकि गोला चलाते हुए ये फटे ना, और इसी वजह से इसकी नाल का वजन 50 टन यानी कि 50,000 किलो है। जी हाँ, आपने सही सुना, 50,000 किलो यानी कि 50 टन। इसके बड़े पहिए की ऊंचाई है 9 फीट। जी हाँ, ये एक कमरे के बराबर है,
विश्व की सबसे बड़ी तोप का भैया। वैसे तो तोप को कभी घुमाने का काम नहीं पड़ा, पर घुमाने के लिए बीच में जैक बनाया हुआ है और चार हाथियों की सहायता से इसको घुमाया जा सकता है। अब विश्व की सबसे बड़ी तोप है तो इतनी ताकत तो चाहिए ही होगी, और आगे वाले जो पहिए हैं उसकी ऊंचाई है 4 फीट। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जैबन तोप के 9 फीट के चक्के के सामने, और इसको यहाँ पर मिर्जा राजा सवाई सिंह जी ने बनवाया था 1720 में, और ये यहीं के तोप खाने से बनी हुई है और इस जगह लाके इसको असेंबल किया गया है। और इसको चलाने के लिए जो गोला होता था उस गोले का वज़न होता था 50 किलो और इसके अंदर जो बारूद यानी कि गन पाउडर भरा जाता था उस गन पाउडर का वज़न होता था 100 किलो। जब 100 किलो गन पाउडर भरा जाता था उसके बाद ये चला करता था। और बताया जाता है कि जब इसकी टेस्टिंग हो रही थी, जब फर्स्ट टाइम इसको चलाया गया, फर्स्ट और लास्ट टाइम, जब इसकी बाट जो थी वो थी 100 फीट लंबी, और जिस सैनिक ने इसकी बाट जलाई थी वो जाके इसके पीछे, यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे एक वाटर टैंक हुआ करता था, और वाटर टैंक में जाके वो छुप गया था इसको चला करके, ताकि इसके शोर से उसके कान के पर्दे ना फटे। उसके बावजूद भी उसके कान के पर्दे फट गए थे जबकि वो पानी के अंदर कूद चुका था, और इसका वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा था, इससे किले की दीवारों को नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा आसपास के गांव जो हैं वहाँ पे भी नुकसान पहुँचा है। और ये कहा जाता है, हालांकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है, बट ये कहा जाता है कि इस किले, इस तोप से जो गोला चला था वो 35 किलोमीटर दूर जाके एक चाकसू गांव में जाके घिरा था, और जहाँ पर जाके ये गोला घिरा है उस जगह का नाम पड़ गया था गोलेराव तालाब। वहाँ से तालाब निकला था जहाँ पर वो गोला जाके घिरा, आप चाकसू में जाके देख सकते हैं गोलेराव तालाब है वहाँ पर। इसका ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है पर इसकी कहानी यही है, और यही बस इस जैवान तोप की कहानी है। ये मेरे पीछे है, आप देख चुके हैं इसको अच्छे से। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो कौन सा तालाब यहाँ पर था जो सैनिक बाट लगा करके और कूद गया था, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पर वो पॉन्ड हुआ करता था, अब आजकल ये सूखा है पर ये बारिश के पानी से कई बार भर जाता है। तो तोप यानी कि जैबन तोप चला करके वो सैनिक जो है वो इसके अंदर कूद गया था ताकि उसके कान के पर्दे ना फटें या कान उसके ख़राब ना हो। उसके बावजूद भी उसके कानों के पर्दे फट गए थे। अब आप सोचिए कि इस पॉन्ड में कूदने के बाद भी उनके कान के पर्दे फट गए, यानी कि इसका धमाका कितना तेज रहा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब दिवाली पे हम एक छोटा सा सूतली बम फोड़ते हैं उसकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा होती है, तो सोचिए इसमें 100 किलो बारूद था तो उसकी आवाज़ कितनी रही होगी। यहाँ तक कि आसपास के गाँव पर भी वाइब्रेशन गया और वहाँ पर भी भारी नुकसान मिला है। तो बस यही कहानी है जैवान तोप की। अब हम जाते हैं और आगे जयगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। किले में ये एरिया काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ पे अलग अलग साइज़ के गैप मिल जाते हैं देखने के लिए। इसका कुछ कारण है कि इससे चारों तरफ जो है किले की नज़र रख सकें, और इन सब का साइज़ अलग अलग है। इन सब साइज़ से भी कुछ लेना देना है, वो ये है कि कुछ कुछ इन गैप से दूर तक देखा जा सकता है और कुछ से पास में देखा जा सकता है, और बीच में आपको जो ये गैप यहाँ पे दिख रहे हैं इससे ये है कि जब हमलावर सामने आ जाएं तो उन पे गर्म तेल या गर्म पानी फेंक के हमला किया जा सकता है। इसी वजह से यहाँ पे सब ये अलग अलग गैप बने हुए हैं या खांचे बने हुए हैं। और यहाँ पे किसी निधि ने अपना प्यार जाहिर किया है, इस तरह से धरोहर को खराब ना करें।
ये देखिए, जैसे ये बड़ा है, ये और दूर तक देखने के लिए है इसकी रेंज। इसका एंगल नीचे है, ये दूर और नीचे देखने के लिए है। काफ़ी घूमने के बाद अब हमें भूख लग रही थी, तो हम चले गए फोर्ट के रेस्टोरेंट। तो जैसा कि जयगढ़ फोर्ट के रेस्टोरेंट में हम खाना खा चुके हैं, खाना हमें काफ़ी पसंद आया है और फूड ब्लॉग मैंने अलग से डाला है, वो आप अलग से देखिएगा। और इसके बाद हम अब जा रहे हैं आगे महल और शस्त्र खाना देखने, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये सामने की तरफ तो यहाँ पर पैलेस है, और ये एरिया और ये एरिया, ये सब अस्त्र शस्त्र और सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो पहले हम इससे शुरुआत करते हैं, शस्त्र खाना। जयगढ़ मेनली अस्त्र और शस्त्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ कई तरह के अस्त्र शस्त्र बड़े हैं, उनमें से तोप हैं, अंगरखा जो सैनिक पहना करते थे, कई तरह के तोप, गोले और कई प्रकार के हथियार, यहाँ तक कि जयबान तोप बनाने के लिए जो मशीन्स थी वो भी यहाँ पर हैं, वो भी हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले तो एरो विथ होल्डर्स, और सबसे खास जयबान का गोला, ये वाला जो है ये जयबान तोप का गोला है और इसका वजन 50 किलो है, 18वीं शताब्दी में बनाया हुआ था, और ये शायद किसी दूसरी तोप का गोला है। और इसके साथ साथ यहाँ पे छोटे और दूसरे जो गोले हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। और ये है यहाँ पे कुछ रॉकेट्स जो 17 सेंचुरी से हैं। और फिर नीचे हम और दो तीन चीज़ें देख सकते हैं, इसमें से है पोटाश, पता नहीं से क्या कहते हैं, और साथ साथ इसके यहाँ पर गन पाउडर टेस्टिंग मशीन है, और प्लस यहाँ पे टाइम बम है। तो देख लीजिए उस वक्त यहाँ पे टाइम बम और इस तरह के हुआ करते थे। और मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि 17 सेंचुरी में गन पाउडर टेस्टिंग मशीन। मंदिर में यहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर है, और दूसरा है मंदिर यहाँ पे श्री राम हरिहर जी का। तो इस जगह पैलेस है और सुबत निवास है, और अब हम पहले ये वाला एरिया घूमेंगे और फिर उस तरफ आगे जाएंगे। और यहाँ पे कैमल राइड भी मौजूद है, कैमल राइड का तो मज़ा मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। वार और पीस गैलरी में सवाई मान सिंह जी और सवाई भवानी सिंह जी के करियर के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, क्या उनकी रणनीतियाँ रहती थी और किस तरह से युद्ध वो रोका करते थे, यानी कि शांत कराया करते थे। ये उस वक्त का नक्शा आप देख सकते हैं जो रणनीति बनाने के लिए काम आया करता था जयपुर और उसके आसपास का। ये कुछ पोर्ट्रेट्स हैं कि युद्ध के समय से उन्हें देवी ने दर्शन दिए थे।
तो हम देख पा रहे हैं ये है कूलर। अब सोचिए 17वीं और 18वीं शताब्दी में कूलर का बंदोबस्त इन्होंने कर रखा था। उम्मीद है उस वक्त भी गर्मी काफ़ी होती होगी। यहाँ से ये पानी और ये पंखा घूमता होगा और ये आगे की तरफ इसका ब्लोअर, और ये आगे से हम देख सकते हैं इसका ब्लोअर वाला ये एरिया। यहाँ और भी कुछ कूलर हैं, शायद अपग्रेड होते गए होंगे डे बाय डे वन बाय वन। ये देखिए इसमें ब्लोअर जिसमें राइट और लेफ्ट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे पालकी रखी हुई है, ये फिर से एक और कूलर, फिर ड्रम्स, और यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ऐसे देखने में आपको लग रहा होगा ये जिगजैग और ये है, पर जैसे ही हम इसके दूसरी तरफ जाते हैं तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। इसको स्टार कह सकते हैं या कोई फ्लावर कह सकते हैं, इस तरह से ये देखने को मिलता है। सिर्फ भीड़ ज़्यादा है, मैं आपको उस तरफ से दिखाता हूँ। ये देखिए ये अब जिगजैग होते हुए और स्टार बनते हुए देखिए। कमाल की बात है ना, उस वक्त भी लोग क्या हमसे होशियार थे, इतनी चीज़ें जानते थे, इतना इन्होंने क्रिएटिविटी दिखा रखी है, आज हमें इतनी देखने को नहीं मिलती। तो अब हम देखने वाले हैं खिलबत्ती निवास और लक्ष्मी विलास। हम चलते हैं आगे की ओर। और अब जो आने वाला है वो है भूल भुलैया। तो भूल भुलैया की हम और आगे बढ़ रहे हैं और अब देखेंगे किस तरह से ये घूमता हुआ और किस तरह से बहलाता हुआ रास्ता है। और देख सकते हैं किस तरह से भूल भुलैया है और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, देखिए किस तरह से भूल भुलैया है, कंफ्यूजन कि यहाँ आना है या यहाँ जाना है। और ये कसब की भूल भुलैया है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ या लेफ्ट जा रहा हूँ। अब चल तो रहा हूँ मैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच जाएंगे, कहीं आमिर तो नहीं पहुँच जाऊँगा मैं यहाँ से, देखते हैं। और यह हमें एक दरवाज़ा मिला है जिसपे ताला लगा हुआ है, और यहाँ से कहीं किसी तरफ जा रही सीढ़ियाँ और यहाँ से किसी तरफ जा रही सीढ़ियाँ। अब ये भूल भुलैया के रास्ते बंद क्यों हैं पता नहीं, कौन सा आमिर जाता है कौन सा कहाँ जाता है कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पे भी एक बड़ा सा खाली मैदान, फिर आगे की तरफ कुछ साइन बोर्ड के हिसाब से तो विलास मंदिर और पपेट थिएटर यानी कि कठपुतलियों का खेल उस तरफ किया जाता है। तो चलिए कठपुतली का खेल भी देखते हैं। और हम पहुंच चुके हैं पपेट थिएटर यानी कि कठपुतली का खेल देखने, तो अब हम देखते हैं कठपुतली का खेल। पपेट शो का वीडियो मैंने अलग से डाला है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाके देख सकते हैं और ऊपर आई बटन को प्रेस करके भी देख सकते हैं। और ये हम देख सकते हैं आमेर का व्यू, क्योंकि आमेर तहसील में ही हम हैं जहाँ आमेर फोर्ट है, और आमेर तहसील में ही जयगढ़ आता है, तो हम यहाँ से आमेर किला देख सकते हैं। और नीचे काफ़ी सारी चीज़ें और है, जैसे आप आउटर वॉल देख सकते हैं, आउटर वॉल से आपको पता नहीं चलता कि किस तरह से होल कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था बड़े और छोटे होल ऊपर और नीचे अलग अलग जो डायरेक्शंस में है। यहाँ पर ये भी एक फोटो पॉइंट है ये वाला, और ये हम अरावली रेंज देख सकते हैं।
इतना सुंदर नज़ारा देखते हुए अब आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आगे से आगे शेयर करें। जो मैंने आपको गोले बताए थे ये देखिए बाहर से इस तरह से दिखते हैं, और यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ से खौलता हुआ तेल या कुछ कभी डाला गया होगा सुरक्षा के लिए, यहाँ ये निशान बने हुए हैं। ये सिर्फ कुछ और बाउंड्रीज हैं फोर्ट की और कुछ जयपुर शहर की। तो हम मैं करने जा रहा हूँ कैमल राइड, और कैमल राइड के 100 रुपये चार्जेस हैं और ये उस गेट तक वापस घुमा के यहाँ ले आता है। तो अब हम चढ़ रहे हैं। भैया इसके ये आगे वाले साइड पे बैठते, पीछे वाले पे आगे पे पक्का नहीं गिराएगा ना, कि फोन और वो भी है ना, गिरना चाहिए यार। तो मैं ऊंट सवारी पहली बार कर रहा था और मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि ये ऊंट इतना हिलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। और मेरे हाथ में कैमरा था तो वो भी मैंने कैमरा पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया। और हाँ, इसी से मुझे याद है कि जितने भी अभी मेरे ख़राब शॉट देख रहे हैं ये सब कैमरा मैन की बदौलत है, मेरा कैमरा मैन अनप्रोफेशनल है। अगर राजस्थानी फील लेनी है ना किसी भी टूरिस्ट को, तो उसको ऊंट सवारी ज़रूर करनी चाहिए। और जैसे ही ऊंट वापस घूमकर आया और मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था ऊंट पे, अब मुझे इतना अजीब नहीं लग रहा था और मुझे पता चल गया था कि इसको पकड़ने का स्टैंड जो है वो कहाँ पर है, पहले मुझे वो मिल नहीं रहा था। तो कुल मिला के मेरी ऊंट सवारी जो है वो काफ़ी अच्छी रही, मुझे बहुत पसंद आई। तो जब भी आप जहाँ पर भी ऊंट देखें या घोड़ा देखें उसकी सवारी ज़रूर करें। जी तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे वाटर टैंक के पीछे। अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर टैंक के पीछे खड़ा होकर मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें क्या खासियत है। तो सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताता हूँ, ये वाटर टैंक राजाओं के टाइम का है और आज भी वाटर सप्लाई जितना भी होता है पूरे जयगढ़ फोर्ट में इसी टैंक के थ्रू होता है। और ये इसकी खासियत नहीं है, इसकी खासियत ये है कि 40 फीट गहरा है और 40 फीट गहरे के नीचे कुछ कमरे बने हुए हैं, और उन कमरों में राजा और पुश्तैनी जो इनका शाही खजाना हुआ करता था वो यहाँ छुपाया गया हुआ था। और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और तो उन्होंने वहाँ पर यहाँ से खजाना निकलवा लिया। हालाँकि ये वारदात ये किस्सा कहीं रजिस्टर्ड नहीं है कि इंदिरा गांधी ने उसको निकाला था, पर क्योंकि जो लोगों ने यहाँ पर देखा है, जो आंखों देखा लोगों ने बताया है, ये वही चीज़ है। और ये चीज़ पूरे सब में जयपुर में प्रचलित है, या जो राजस्थान और जयपुर के बारे में जानते हैं उनमें प्रचलित है। और यहाँ से कहा जाता है कि लगभग 70 ट्रक भर के सोना और जितने भी यहाँ पर खजाना था वो निकाला गया था। और कहाँ गया है, किसके पास गया है, वो किसी को भी नहीं पता, बट यहाँ से 70 ट्रक भर के गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि 2 दिन के लिए यहाँ पर पूरा जो है जयपुर आगरा हाईवे, जयपुर आगरा हाईवे वो बंद कर दिया था आम जनता के लिए। ये इसकी कहानी है वाटर टैंक की। अब यहाँ कितना अंदर है, कितना है, वो तो हम यहाँ से देख नहीं सकते, यहाँ पे प्रवेश वर्जित भी है, नहीं तो मैं आपको और बेटर तरह से दिखाता। पर यहाँ से हम देख सकते हैं थोड़ा, आपको पानी और जो है कुछ दिख जाएगा। और इसी के साथ मेरा जयगढ़ का जो टूर है वो ख़त्म होता है। तो अब आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और वेट करिए मेरे अगले ब्लॉग का। और हाँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।
आपको अच्छी लगी जगह? हमें दोनों से अच्छा बिल्कुल ही लगा है ना। यहाँ की हाईलाइट तो वैसे यहाँ का खाना था तो हम लोग फूडीज हैं तो खाना जरूरी है।